ये म्यूजिक इतना सूदिंग है कि मैं क्या बताऊँ। कृष्णा फ्लूट म्यूजिक इज सो अमेजिंग। और इसी म्यूजिक को सुनते सुनते हम जा रहे हैं राम मंदिर रायपुर में। तो आई विल गो अहेड एंड गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट राम मंदिर इन रायपुर। आप पहुंचोगे कैसे राम मंदिर, क्या क्या चीज़ें हैं आप जो कर सकते हो राम मंदिर आके, एंड एवरीथिंग। बेसिकली आपको मैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एंड ऑब्वियसली आपको टूर भी करवाने वाला हूँ ये पूरे प्लेस का। तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो, एंड ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स करें सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए एंड कैसा लग रहा है ब्लॉग। तो ओवरऑल वेलकम टू माई चैनल ट्रैवल डायरीज ऑफिशियल, एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। सो सबसे पहला बात, आप राम मंदिर पहुंचोगे कैसे? अगर राम मंदिर आपको पहुंचना है तो सबसे पहले आपको वीआईपी रोड तक आना है जो, और वहां से राइट लेना है जो कि एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट करता है। वो जो जंक्शन है वहीं पे राम मंदिर है, आपको बहुत दूर से दिख जाएगा। ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग प्लेस। सो अभी आप राम मंदिर पहुंच गए हैं तो लेट्स एंटर द राम मंदिर। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज है, अगर आपको आना है तो आप इवनिंग में आओ, क्योंकि इवनिंग में आओगे ना तो तभी आपको ये जो लाइटिंग है, ये जो फाउंटेन है, ये जो अमेजिंग गार्डन है, ये सब चीज़ का मज़ा आपको मिल पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली धूप नहीं होता है, लाइटिंग ज़बरदस्त होता है, एंड दिस अमेजिंग एंड रिलैक्सिंग प्लेस, क्या कॉम्बिनेशन है राइट? तो यही कॉम्बिनेशन को अगर इन्जॉय करना है तो इवनिंग में आए यहाँ पर। यहाँ पे द बेस्ट पार्ट इज जो मेन टेम्पल है, ऑब्वियसली वो राम जी और सीता जी को डेडिकेट किया गया है। इसके साथ भी, इसके साथ आपको एक हनुमान टेम्पल भी है जो कि इसके पीछे है, प्लस आपको शिव जी का भी एक टेम्पल मिल जाएगा जो राम हनुमान टेम्पल के बगल में है। ओवरऑल यहाँ पे लॉन्स वगैरह बहुत वेल मेंटेन्ड है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही काम प्लेस है, आई मीन लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन आप अगर लॉन वगैरह में बैठोगे तो बहुत आपको शांति मिलेगी। तो दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। और एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, आई मीन जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो जितना कि मुझे पता चला है इसके बारे में। तो बेसिकली ये जो टेंपल है ये 2017 में रेडी हुआ था, एंड बहुत ही कम टाइम में इस टेंपल को बनाया गया था। लेकिन अगर आप टेंपल में आते हो तो ये प्लेस को देख के आपको लगेगा नहीं कि इतने कम टाइम में इतने ब्यूटिफुली डिज़ाइन टेंपल कैसे बनाया जा सकता है। आई मीन एक एक कार्विंग्स जो है इतना ब्यूटिफुली एंड इंट्रिकेटली डिज़ाइंड है कि आई जस्ट कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, आई मीन दैट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली एंट्रेंस पे ही आपको फाउंटेन्स दिखेंगे, कलर चेंज हो रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार जगह है। आई मीन जस्ट अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस आई वुड से। अगर आप रायपुर आते हो तो ये जगह आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप रायपुर में ही रहते हो तो आपको एटलीस्ट महीने में एक बार तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। आई मीन यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको मेडिटेशन करना पसंद है तो आइए, यहाँ पे लॉन है दोनों साइड में, वहाँ पे जाके बैठिए, वहाँ पे एंजॉय कीजिए। आई मीन अपने आप के साथ, अपने फैमिली के साथ, यू वुड लव दिस प्लेस। यहाँ पॉन्ड वगैरह भी है पीछे में जहाँ पे हनुमान टेम्पल है, तो वहाँ पे आप आ सकते हो, वहाँ पे भी बहुत पीसफुल है, आप बैठ सकते हो आराम से मज़े से। एंड जो व्यू है आपको साइड से भी जो व्यू आता है ना गाइस, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है, आई मीन बेस्ट बेस्ट व्यू। तो ओवरऑल हमको तो बहुत मज़ा आया। एक बात और ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो घी के, प्योर घी के मिठाइयाँ ना मिस करें। हाँ सही सुन रहे हो आप, प्योर घी के मिठाइयाँ मिलते हैं। जैसे ही आप टेंपल से बाहर निकलोगे तो यहाँ पे एक स्वीट शॉप है, वहाँ पे प्योर घी की मिठाइयाँ मिलती है, तो वहाँ पे आप उस मिठाइयाँ ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी होता है। एंड वो मिठाइयाँ आप चढ़ा भी सकते हो भगवान को। ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज
द होल पर्पस ऑफ दिस टेम्पल इज टू गो अहेड एंड हेल्प यू आउट विद सम पीसफुल मोमेंट इन दिस बिजी बिजी लाइव्स ऑफ आवर्स. तो ओवरऑल इट सर्व्स द पर्पस वेल एंड ऑब्वियसली इट गिव्स यू द राइट बैलेंस एंड यू नो राइट टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली. सो गाइज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेम्पल इज कि यहाँ पे पार्किंग स्पेस अवेलेबल है. सो दैट्स अ बेस्ट थिंग क्योंकि जनरली आप देखते हो कि टेम्पल्स वगैरह में पार्किंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे नहीं होता है. आई मीन इवन ऑन अ क्राउडेड डे यू विल गेट अ पार्किंग स्पेस टू पार्क योर कार्स और व्हीकल और वट एवर इट इज. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज जो रोड है ना वहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है एंड इट्स अ टू वे रोड, ना ही यहाँ पे कोई स्काई वॉक है. सो दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज सिंस इट्स अ टेम्पल एंड बहुत सारे क्राउड आते हैं हमेशा. तो आई थिंक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या टेम्पल अथॉरिटीज़ को ये बात का ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स इंस्टॉल किया जाए, नहीं तो एक स्काई वॉक बनाया जाए जो पार्किंग को डायरेक्टली कनेक्ट करता है टेम्पल के एंट्रेंस से. सो देन इट वुड मिटिगेट अ लॉट ऑफ रिस्क. मेरे को बहुत रिस्की लगा वो रोड, तो दैट इज़ समथिंग इज़ अ कंसर्न. ओवरऑल आई लव दिस प्लेस एंड आई लव टू विजिट अगेन. सो गाइज अभी हम ये ब्लॉग जो है यहाँ पे एंड करते हैं एंड ऑब्वियसली आई वुड लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स कि आपका जो एक्सपीरियंस है ये टेम्पल में कैसा रहा. आपने अगर विजिट किया होगा तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं योर कंसर्न्स. ऑब्वियसली आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक, आई वुड लव टू हियर. एंड अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट time ahead.